हुबली धारवाड ट्विन सिटीज में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये दोनों शहर कर्नाटक का ही नहीं बल्कि पूरी भारत के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है और भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर इनकी उपस्थिति उल्लेखनीय रही है। ऐसे महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक नगर का निवासी होने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उत्तरी कर्नाटक का ये संपूर्ण क्षेत्र और विशेष रूप से ये दोनों शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक ऊर्जा तथा आधुनिक सोच के लिए जाने जाते हैं। कन्नड़, मराठी और अन्य भाषाओं का अद्भुत संगम यहाँ के लोगों के बीच परस्पर सामंजस्य का उत्तम उदाहरण है। ये ट्विन सिटी के लोग प्राचीनता और आधुनिकता को एक साथ जी रहे हैं। आप लोग हमारी प्राचीन विरासत के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अनुमान कर सकती हूँ कि प्राचीन भारतीय दर्शन के प्रतिष्ठित विद्वान और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस रामकृष्णन ने इस नगर में पधारकर इस विशेषता को प्रत्यक्ष देखा है और आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक तथा मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यहाँ की आधुनिकता को सराहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए प्राचीनता और आधुनिकता के इस संगम में आपके बीच आकर मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। देवियों और स्वजन, हमारे नीति ग्रंथों में कहा गया है कि विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्याधन सभी प्रकार के धन से श्रेष्ठ है। इसका प्रमाण भारत में तक्षशिला, पुष्पगिरी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, काशी और मणिखेत जैसे प्रमुख शिक्षा केंद्र की स्थापना से मिलता है। उत्तरी कर्नाटका के इस हिस्से में इस समय भी